ये इत्तेफाक अजीब नहीं है। चलिए असम का गामुसा तो उनके कंधे पे पहले भी देखा है लोगों ने, लेकिन एक नर्स पुडुचेरी की, एक नर्स केरल की, ये अचानक हो गया अपने आप। सुनिए ऐसा है, पप्पू की प्रवक्ता, बिस्किट खिलाऊं क्या, पेडिग्री का बिस्किट खिलाऊं, अभी निकाल के खिला दूंगा, बिस्किट चुप हो जाएंगे। एक व्यक्ति की आवाज आपने सुनी ना गौरव भाटिया जी, कह रहे हैं कि देखिए रावण वाले लंका में भी पेट्रोल सस्ता है, और आप कहते हैं राम की धरती है, देखिए यहाँ पर पेट्रोल की क्या कीमत है। देश में कोई ना कोई मुद्दा सुर्खियां बटोरता रहता है, और उनमें से कुछ मुद्दों पर डिबेट भी देखने को मिलती है। आज इस वीडियो में हम बात भाजपा नेता गौरव भाटिया की करेंगे, और उनकी कुछ उन डिबेट्स का जिक्र करेंगे जिनमें गोदी मीडिया एंकरों ने उन्हें अपने तीखे सवालों में घेरा। आज तक पर पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर अंजना ओम कश्यप ने भाजपा नेता गौरव भाटिया को पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर तीखे सवाल किए, जिस पर नेता बात को इधर उधर घुमाते दिखाई दिए, लेकिन एंकर ने उन्हें ऐसा करने से रोका और सही से इस मुद्दे पर जवाब देने को कहा। इकोनॉमिक्स को लेकर आपकी ताकत है, इस पर मैं सवाल गौरव भाटिया से पूछूंगी। उनकी सरकार है, चाहे वो हमलावर पर जितना भी हमला करे, लेकिन जनता ये सवाल पूछ रही है, हमने दिखाया है, कह रहे श्रीलंका में एक बार जरा कीमतें दिखाइए, जो हर देश की है, हर देश की है, श्रीलंका नेपाल हर जगह। एक व्यक्ति की आवाज आपने सुनी ना गौरव भाटिया जी, कह रहे हैं कि देखिए रावण वाले लंका में भी पेट्रोल सस्ता है, और आप कहते हैं राम की धरती है, देखिए यहाँ पर पेट्रोल की क्या कीमत है। और प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही है, मैं समझता हूँ वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि जो और सोर्सेज हैं एनर्जी के, जैसे नेचुरल गैस है, उस पे हमारी निर्भरता 15% का हमने लक्ष्य रखा है, और हमारे 7 साल की जो सरकार रही है उसमें हमने 6.3 पहुंचाया है। ये तमगा लेकिन पहन लीजिए, ये सारी बातें अपनी जगह पर, ये तमगा लेकिन पहन लीजिए कि सेंचुरी पेट्रोल की कीमतों ने आपकी सरकार में ही मारी है, ये सेंचुरी मारी है, ये तमगा पहन लीजिए आप। इसके लिए आपने क्या किया, नहीं किया, कहां पर कमियां रही पिछली सरकारों की, उसमें उलझेंगे, लंबी बहसों की मुझे एक सेकंड। न्यूज 18 पर भी पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में पहले एंकर ने गौरव भाटिया को अपने सवालों में उलझाया। अपने जवाब में गौरव विपक्षी पार्टियों की आलोचना करने लगे, जिस पर कांग्रेसी नेता भड़क उठे और उन्होंने भाजपा नेता को खूब सुनाया, जिसके बाद दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। गौरव भाटिया, पेट्रोल के दाम शौक पर जाने का इंतजार कर रही है आपकी सरकार, क्या आपको लगता नहीं है इसकी मार आम आदमी पे पड़ रही है? एकदम से जैसे ही पेट्रोल पे चर्चा हुई तो ये प्रकट हो गए, आंसू पोंछ आए, कितने कटोरे आंसू आज बहाए हैं, शोक सभा कैसी रही, भाई साहब ये तो पूछ लेते, आप तो गायब ही होते बोले कि चीन पे तो बंगाल में जाके तो कोई प्रॉमिस करके नहीं आए ना, बंगाल पे जाके प्रॉमिस करके नहीं आए ना, नहीं तो वापस और जगह मुंडन होगा, बोल रहे हैं भाई हर जगह आपके मुंडन की चर्चा है। अरे आप क्यों बोलिए भैया, बात कीजिए ना, टॉपिक पे बात करते हैं, जानकारी करके ऐसा मत कीजिए। अरे माता बाप बोल रही है, अभी भी आपके बाल बचे हुए हैं, ये हमको नहीं भागने की जरूरत नहीं थी, आपको भागने की जरूरत है। अरे अरे आपने तो सैनिकों की शहादत के साथ गद्दारी की है, आप सलामत कीजिए, मातम आप बना रहे हो, मातम आप बना रहे हो, एमओयू में लिखा था, डर लग रहा है क्या, एमओयू में क्या लिखा था, इतना डर गए क्या, इतना ट्वीट करो गद्दार। आज तक पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा टीका लगाए जाने को लेकर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर रोहित सल्दाना ने गौरव भाटिया से कुछ सवाल किए, जिस पर वे विपक्ष पर उंगली उठाते नजर आए, पर एंकर ने उन्हें टोका और सही ढंग से जवाब देने को कहा। गौरव भाटिया, सुना आपने, अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं कि असम का गमछा पुडुचेरी की नर्स, केरल की नर्स, गीतांजलि भी हाथ में रख लेते तो चुनाव प्रचार पूरा हो जाता। ये ओछी गंदी संकुचित सोच जो है कांग्रेस और विपक्षियों की ही हो सकती है। मैं धन्यवाद देता हूँ शरद पवार जी का, पटनायक जी का, जो सामने आए और उन्होंने भी आज टीका लगवाया। अजीब इत्तेफाक नहीं है, पार्टी रोती ही रहेगी, ये इत्तेफाक अजीब नहीं है। चलिए असम का गामुसा तो उनके कंधे पे पहले भी देखा है लोगों ने, एक बार को मान लिया जाए कि वो अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन एक नर्स पुडुचेरी की, एक नर्स केरल की, ये अचानक हो गया अपने आप, या प्लान था क्योंकि चुनाव है इन राज्यों में। कब संकुचित सोच से ऊपर उठेंगे, ठीक है, कब ये राजनीति छोड़ के देश हित में बात करेंगे, ठीक है, ये सवाल आज देश पूछ रहा है। ओके, मैंने फिर भी पूछा था कि ये इत्तेफाक है, वो आपने नहीं बताया कि इत्तेफाक था या प्लान था, आपने ये कह दिया कि भाई गमसा तो संस्कृति का प्रतीक है और नर्सिस सारी दक्षिण भारत से आती है, ठीक है सर, ओके। आज तक पर एक और डिबेट रिहाना के ट्वीट को लेकर हुई। इस डिबेट में गौरव भाटिया विपक्ष पर टिप्पणी करते नजर आए और कुछ इधर उधर की बात भी करते दिखाई दिए, जिसके बाद कांग्रेसी नेता ने भी गौरव भाटिया को अपने तीखे सवालों में घेर लिया और सवालों के जवाब देने को कहा।
प्रवक्ता वो होता है जो कहे यार मेरा नेता तो मूर्ख है, 50 साल का अपरिपक्व बालक है, मैं तो उससे सहमत नहीं हूँ। अरे अधीर रंजन चौधरी ने क्या बाइट दिया है, वो देन क्या आई, उसको डिफेंड करिए, उसको अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, ऐसा है पप्पू की प्रवक्ता, बिस्किट खिलाऊं क्या, पेडिग्री का बिस्किट खिलाऊं, अभी निकाल के खिला दूंगा, बिस्किट चुप हो जाएंगे, ऐसे फेंकूंगा, देखिए ऐसे फेंकूंगा और आप कूद के जाएंगे और बिस्किट खा लेंगे, आपके बीच में कोई नहीं बोला था ना, अगर नहीं मैं दो बिस्किट खिला सकता हूँ एक साथ, दो बिस्किट एक साथ खिलाऊंगा, मैं जानता हूँ कूद के आप बिस्किट पकड़ लेंगी, अरे पेडिग्री के बिस्किट खाने वाली चुप करिए, पत्रकार थी आप, पत्रकार रह के आप कांग्रेस पार्टी की राजनीति साध रही थी, ये प्रवक्ता है आप, ओछी घटिया, क्या घटिया प्रवक्ता भैया, आप पत्रकार भी सच्ची नहीं, ना नेता सच्ची, ना प्रवक्ता सच्ची, क्या हालत हो गई आपकी, खुद लेती क्यों नहीं है। अक्सर भाजपा नेता विपक्ष के नेताओं पर हावी होते दिखाई देते हैं, पर इस बार विपक्ष के नेताओं के साथ साथ एंकर भी गौरव भाटिया से सवाल करते नजर आए। हम उम्मीद करते हैं कि मीडिया एंकर आगे भी इसी तरह से भाजपा नेताओं से सवाल करते रहेंगे। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।